बच्चों, दूसरे सत्र के लिए तुम सबके लिए स्वागत। आज हमें बदले अपनी सोच पाठ के दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए, आज हम आदरणीय सभा जनों से लेकर प्राप्त किए जा सकते हैं, यहाँ तक हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पाठ पढ़ेंगे। ओके, छात्र अपने अपने पाठ पुस्तिकाएँ खोलिए, और जब मैं पाठ पढ़ाता हूँ पढ़ता हूँ तुम सब लोग पाठ को देखते रहिए ध्यान से। तो आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएं। हमें अपनी धरती बचानी होगी, अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, अब नहीं होगा तो कब होगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारा आपसे निवेदन है, आप हमारी आवाज सुनें। भविष्य के लिए मजबूत इरादे की जरूरत है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। हाईटेक समाज बना लेने या बैंकों में करोड़ों रुपये जमा करने से हम अपनी धरती नहीं बचा सकते। यहाँ हम पर्यावरण की समस्या सुलझने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि लोगों की सोच बदलने के लिए भी एकत्रित हुए हैं। अब हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। हर कक्षा की किताबों में पर्यावरण के पाठ अवश्य होने चाहिए। विकास को रोकने के लिए मैं नहीं कहती, मैं यह कहना चाहती हूँ जैविक तकनीकों में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो सस्ती और अच्छी हो। ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। छात्र, मैं तुम लोगों को और एक बार ये याद करना चाहता हूँ कि अगर ये कक्षा है तो वास्तविक कक्षा है, तो तुम सब लोग इसे एक बार वैयक्तिक रूप से पढ़ना होगा। तो अब ये वीडियो लेसन है, तो इसलिए तुम सभी लोग एक बार ध्यान से पाठ को देखिए, मौन वाचन करिए। और इससे पहले मैं बताया था, जिस प्रकार मैं जहाँ पर शुरू किया था वहाँ तक, जहाँ पहले से लेकर अंत तक, जहाँ पर कठिन शब्दों के अर्ध कठिन शब्द दिखाई देंगे उसके नीचे रेखांकन कीजिए और उसके शब्दार्थों को शब्दकोश में ढूंढ लीजिए। तो मैं यहाँ पर तुम्हारी ओर से इस वीडियो लेसन होने के कारण मैं ही खुद कुछ कठिन शब्दों को रेखांकन किया था, उस कठिन शब्दों के बारे में मैं तुम लोगों को एक बार यहाँ पर बताना चाहता हूँ। एक बार सर इधर दिखाइए, तो देखिए, संसाधन वनर विकास अभिवृद्धि एकत्रित कलेका कदम अड़ू धरती भूमि निवेदन प्रार्थना जागरूक जागरूकता सस्ती चौका नेतृत्व नायकत्व करोड़ों कोटला। ऐसे अनेक हमें कठिन शब्दों को इस दो तीन परिच्छेदों में हमें रेखांकन कर सकते हैं। और इसे भी ज़्यादा अगर कठिन शब्द तुम लोग देखें तो उसे रेखांकन करें और अपने अध्यापकों से पूछिए। तो देखिए छात्र, हमें यहाँ पर इससे पहले भी मैंने पहले भाग में कुछ सरल प्रश्नों के द्वारा उत्तरों को बताते हुए मैं पाठ को समझाने की कोशिश किया हूँ। तो उसी प्रकार आज भी जो यहाँ से यहाँ दो तीन परिच्छेदों के जो पाठ को हमें पठन के रूप में और छोटे छोटे सरल प्रश्नों के द्वारा, और अगर यही वास्तविक कक्षा है यानी रियल क्लास है, तो इन प्रश्नों के ऊपर तुम बोलना होगा। लेकिन ये वीडियो लेसन है तो इसलिए मैं प्रश्न पूछूंगा और तुम्हारे जो विचार के अनुसार जो तुम सोचेंगे उसी प्रकार यहाँ पर जवाब भी मैं बताऊँगा। तो देखिए एक बार, तो पाठ पठन पर चर्चा के अंतर्गत भविष्य के लिए किसे बचानी होगी, भविष्य के लिए किसे बचानी होगी, मान भविष्य की देने रक्षिंचुकोवाले धरती को। तो क्या काम करने के लिए युगरत्ना कहती है, तो युगरत्ना जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देती है तो पर्यावरण के बारे में बोल रही है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए वो भाषण दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या काम करने के लिए एम पंचायत मन एम चेस्ते मन बाल उत्तम, तो धरती को बचाने का काम। तो युवरत्न बोल रही है धरती को हमें बचाने का काम हम जरूर करना चाहिए। तीसरे प्रश्न, हमें कैसे नेतृत्व की जरूरत है, हमें किस प्रकार के नेतृत्व एटे नायकत्व मन कावल, इस पर्यावरण को रक्षा करने के लिए धरती को बचाने के लिए हम सब सुरक्षित रहने के लिए मजबूत नेतृत्व की हमें
जरूरत है। मन बलमैन नायकत्व उंटे मन भूमि पर्यावरण कापाडुकोवच्चु। हम किस तरह रहे से धरती को बचा नहीं सकते। तो देखिए बच्चों, हमें सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार के कामों से बिजी रहते हैं, और हमें जो काम पर जाना और यानी नौकरी पर जाना, रुपयों को कमाना, रुपयों को जुटाना, बैंकों में रख लेना, बैंक बैलेंस को बढ़ा लेना, तो ऐसे हम हर व्यक्ति हर आदमी समाज में ऐसे ही रहते हैं। ऐसे रहने से धरती को बचा नहीं सकते। क्या ऐसे करने से धरती को नहीं बचा सकते? हाईटेक समाज को बनाने से और करोड़ों रुपयों को बैंकों में बैलेंस के रूप में रखने से हम धरती को नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए छात्र, तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने से और रुपया कमाने से हम धरती को नहीं बचा पाएंगे। पांचवा प्रश्न है, वहाँ पर सदस्य क्यों एकत्रित हुए? अकड़ा प्रजलंदर अकड़ सभ्युंदर एंदुकु मीटिंग में कूर्चुन्नारु, कलिसि कूर्चुन्नारु? जनता की सोच बदलने के लिए सिर्फ ये लोग वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सिर्फ पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण की रक्षा के बारे में ही बातचीत करने के लिए नहीं है, जनता की सोच बदलना। जनता में आजकल के जो सोच ऐसा हुआ है, तो सुबह उठना, शाम तक काम करना और रुपये कमाना, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स को बना लेना और सुख सुविधा के लिए जीना, यही हमारी सोच है। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों ने वहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं कि जनता में सोच बदलना होगी, जनता में अगर सोच बदल गया तो उनके जो उनके विचार प्रकृति पर जाएगी और पर्यावरण पर जाएगी, धरती को बचाने की सोच उनमें आ जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर एकत्रित हुई है जनता में सोच, जनता की सोच बदलने के लिए। हर बालक को कैसी शिक्षा की जरूरत है? तो देखिए, आजकल हर पाठशाला में छात्र अनेक प्रकार की जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ रहे और मेडिसिन पढ़ रहे और गणित शास्त्र, विज्ञान शास्त्र जैसे अनेक प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे, लेकिन छात्रों में पर्यावरण के प्रति श्रद्धा, पर्यावरण के प्रति ध्यान उनमें नहीं है। तो इसलिए युगरत्ना बोल रही है हर बालक के लिए पर्यावरण की शिक्षा, एनवायरमेंटल एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी स्टूडेंट। तो वो बताए युगरत्ना जैविक तकनीकों के बारे में क्या बताए? जीव ప్రాణాధారానికి ఎటువంటి హాని కలిగించినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వాడమని చెప్తుంది యువరత్న. తో ఉస్క మహత్వ క్యా హోగా? తో జైవ మిత్ర టెక్నికో కో టెక్నికో మే బడోత్తరి హోనీ చాహియే జో సస్తీ ఔర్ అచ్చీ హో। జైవ మిత్ర టెక్నికో కీ మహత్వ యే హోతా హై కి వే బహుత్ సస్తీ హోతీ హై ఔర్ బహుత్ అచ్చీ హోతీ హై। హమ్నే బతాయా థా సస్తీ కా తో బహుత్ వో క్యా కహే తెలుగు మే చాలా చౌకా। तो ऐसे संसाधनों का उपयोग होना चाहिए जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैव मित्र तकनीकों के द्वारा हमें उपयोग कर सकते हैं और पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें बदले अपनी सोच भाग दो में हमें ये सात सरल प्रश्नों के द्वारा पाठ को हम समझ लिए हैं। तो छात्र, मैं और एक बार तुम लोगों को बोल रहा हूँ, पाठ का और एक बार पढ़िए, दूसरा बार पढ़िए, तीसरा बार पढ़िए और इन सात प्रश्नों को भी देखिए, उसके पास जो जवाब लिखा हुआ है उन जवाबों को बार भी देखिए और इस पाठ का सारांश को या पाठ का जो मुख्य विषय को समझने की कोशिश कीजिए। घर पर आप ऐसे ही जो इसके इस पाठ को दोबारा पढ़ने का प्रयत्न कीजिए, यही है तुम्हारे लिए गुरु कार्य। ओके, कल हमें बदले अपनी सोच तीसरे भाग को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।